गलती से आ गए थे ऐसे ही गलती से हादसाती तौर पे हादसाती तौर पे ये किसने बताया आपको बस मेरे पास भी अच्छा जराए हैं मालूम करने के बाद सी चीजें हैं लेकिन वो तो आप हादसाती तौर पे आ गए जी बिल्कुल तो वो किस्सा भी आप खुद ही सुना दें मुझे पता आप एक दो जगह मेंशन कर चुके हैं लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बात हो जाएगी तो अच्छी बात है कि किस तरह आप शौक़ नहीं अपनी गाड़ी देने शौक किया बल्कि इनकी आदत है कि अपनी गाड़ी किसी को नहीं मैं नहीं देता दे बस ये जो आदत थी वो ले गई एक्टिंग की तरफ एक्टिंग की तरफ कैसे अब आप बता दें एक्टिंग उससे पहले भी मुझे एक दो दफ़ा एक बार काजिम भाई ने कहा था मेरी एक्चुअली तारिक रोड पे आउटलेट्स थे मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था उस जमाने में टू मैं उस जमाने की बात कर रहा करा तो ये लोग आते थे टी वी वाले आप तो काजिम पाशा की बात कर रहे हैं जी जी काजिम भाई काजिम okay. मेरे उस्ताद हैं जी जी एक आध हाँ दफ़ा उन्होंने कह दिया उन्होंने कहा आप आके एक्टिंग कर लो ज़ाहिर वो टाइम अलग था अब पचास साल उम्र है तो ज़ाहिर उस पर पीछे चले जाए तो उनको लगा भी तो इस तरह एक दो और साहब थे मुझे उनके नाम याद नहीं है प्रोड्यूसर थे मुझे ऐसा लगता था ये ना खाली डिस्काउंट के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बोलता था शुक्रिया सर आप समझे थे कि मैं डिस्काउंट दे दूं तो इसलिए मुझे कह रहे हैं और मुझे लगता नहीं था वो ऐसा था भी अच्छा आ, मुझे अब तो यहाँ आने के बाद जो है ना एक्टिंग में यकीन भी हो गया ओके तो यानी मैं नहीं 2009 आ, नहीं 2004 में पहले मुझे मेरे दोस्त हैं फरहान उन्होंने कहा यार एक्टिंग करेगा मैंने कहा नहीं यार फिर मुझे मुझे दो छः में उसने एक दफ़े यूँ कहा तो मैंने के अबू से ज़िक्र किया तो मेरे वालिद की हाइट भी माशा सिक्स सेवन है वो पिशावरी चप्पल पहनते हैं उन्होंने बस कुछ भी नहीं किया ना मेरी तरफ़ देखा यहाँ से एक पिशावरी चप्पल उठाई और मुझे यूँ देखा मैं समझ गया और मैं उससे पहले वो पढ़ती हूँ भाग गया ओके okay. तो वो तो बिल्कुल आपके लिए नहीं था जी दो में मुझे फरहान ने कहा कि यार गाड़ी चाहिए मैंने कहा ना गाड़ी नहीं दे सकता यार मेरी आदत है मजबूरी है तो कहता है फलानी जगह जाना है मैं बैठ गया चले गए यहाँ वो एवर न्यू स्टूडियो था ये इंडस्ट्रियल एरिया पे जैसे एवर आडी है ना जी जी ऐसे ही एवर न्यू होता था, था मैं वहाँ बाहर रुका वो अंदर गए और फ़ौर बाहर आया कह रहे अंदर शूट हो रही है देख मैंने कहा मेरा क्या काम है यार मैं मज़दूर आदमी हूँ कारोबारी आदमी हूँ अंदर गया उसके कहने पे अंदर शूट रुकी हुई थी अभी इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा इसमें सब क्लियर हो जाएगा बेटे लेकिन लेकिन ये आप 2009 की बात कर रहे हैं जी जी मैं नाइन की बात कर रहा हूँ हम अभी की बात कर रहे हैं मैं दोनों बता रहा हूँ वहाँ यार मम्मा शाह एक कैरेक्टर कर रहे थे जिसमें वो मिनिस्टर हैं और उनके साथ थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब डायरेक्टर था अब्दुल्ला बदिनी शूट रुकी हुई है क्योंकि उनके पीछे एक गार्ड खड़ा हुआ है दूसरे के पीछे एक गार्ड नहीं है जो एक बदमाश टाइप का आदमी लगे जिसके हाथ में गन हो okay. तो मुझे देखते ही कहा गया यार ये या एक्टिंग करेगा उसने बोला नहीं मैंने गांव में कर लूंगा <laughs> ये कैसे हुआ बस वो हो गया दिमाग खराब हो गया मेरा और निकल गया जुमला हाँ, हाँ. वो किया okay. और वो प्ले जफर भाई का था जफर महाराज का अच्छा कचरा कुंडी उसका नाम था ओके। okay. वो अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि वो डायरेक्टर ने उसमें कुछ सीन बढ़वा दिए गार्ड के आपके हाँ, तो हुँ. बस फिर वो साथ ही एक टेलीफिल्म भी दे दी उन्होंने हुँ. बस वो मैंने कहा ना अल्लाह पाक जो आपके हाँ लिए लिखता है ना तो और उसके बाद फिर सिलसिला स्टार्ट हो गया नहीं फिर भी नहीं हुआ वो शौक बस वो वैसे ही कर लिया मैंने खत्म कर दिया वो एक सेट पे था ये बात मैंने अभी आज तक किसी को कही नहीं है लेकिन मैं आज बताता हूँ मैं एक सेट के ऊपर मौजूद था वहाँ शूट स्टार्ट हुई है मैं काफ़ी देर बैठा रहा बैठा रहा जब मेरा सीन आया तो जैसे ही हम मास्टर करने गए हैं डायरेक्टर ने क्यों कहा तो एक सीनियर एक्टर थे उन्होंने कहा ये किसका तोहफ़ा है यार नाम नहीं लूँगा इज़्ज़त करता हूँ इसलिए डरता हूँ इसलिए नहीं मेरे उस्ताद हैं सीनियर हैं ना वो बात मुझे समझ आ गई वो सीन रुक गया फिर दूसरा सीन वो करते रहे फिर मुझे कहा यार आप ना कल आए जब मैं दूसरे दिन गया हूँ तो वो कैरेक्टर चेंज था और मैं अब मुझे पूरा यकीन हो गया ये हुआ था मैं उस रात सोया नहीं मैं उसकी दूसरी रात भी नहीं सोया मैं दो रात नहीं सोया मैंने ज़िंदगी में जो चाहे वो किया है मैंने उस वक्त डिसाइड किया मैं अब करूँगा और फिर मैंने कोशिश की और आज तक कर रहा हूँ उसके बाद फिर आपने एक्टिंग को सीरियसली वो मेरे वाले दाली बात हो गई गई ना ना लग ना, मुझे इस तरफ कर दिया और ये उसके 2009 के की बात है या जैन में 2010 में मैं जब आ गया था तब की बात है? तब ये हुआ तो उसके बाद फिर आसान था रोल्स लेना जब आप कोशिश कर रहे थे आराम से मिल रहे थे आपको मुझे अच्छा मिला Okay. आज भी अलहमद अल्लाह का शुक्र है काम का वो नहीं एक्टिंग मेरी इबादत है ऑक्सीजन है मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदा हो जाता हूँ सो so, ये आपकी बात बड़ी मुझे अजीब आ... लगेगी नहीं इंटरेस्टिंग उर्दू में क्या दिलचस्प लगेगी आपकी ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं है लेकिन एक्टिंग मेरे लिए और मुझे जिंदा जिंदा कर कर देती है। है। हम हम कैसे? समझ नहीं पाते हैं। शौक, चीज क्या है? शौक चीज क्या होती है अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ बहुत दफा होता है कि मुझे कैरेक्टर नहीं समझ आता समझ आ गया पैसे नहीं कम करने अच्छा पैसों की वजह से छोड़ दिया फिर थोड़ा टाइम गुजरता है मुझे घुटन शुरू हो जाती है जब मैं सेट पे जाता हूँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ जब काम करता हूँ तो मैं अपने आप को एक क्या ताकतवर आदमी फील करता हूँ सांस पूरी आती है मेरी एनर्जी अलग हो जाती है मतलब जिस दिन मैं अच्छा काम कर लूँ मुझे नींद नहीं आती और जिस दिन बुरा करूँ उस दिन भी नहीं आती इस पे भी मैंने पूछना था लेकिन पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर आते हैं हम ये, ये आपका का काम ये मेरा काम ये इबादत है इबादत में कोताही नहीं होती तो ये कह सकते हैं मोहब्बत है आपको इस काम से इश्क है। इश्क है है तो फिर जरूरी नहीं है कि जिस जिस चीज़ से इश्क हो हो उसका शौक भी हो। फिर शौक भी को हम या उसको शौक बहुत तो छोटी चीज़ है शौक शौक मेरे मेरे पास शौक के लिए ना अच्छा ये बहुत अच्छी बात आपने कही है ये अच्छी आपने इसको बताया है कि शौक हाँ शौक़ बहुत सी चीज़ों का हो सकता है इश्क और इबादत बहुत बड़ी और कम चीज़ों का होगा ये समझ आ अब समझ आ गई मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ आया सांस है ऑक्सीजन है।, है मतलब ये देखें ना चले मैं आपको यूँ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे जैसे लोग जो बहुत छोटी एज से काम करते हुए आते हैं उन्हें काम की इतनी आदत हो जाती है कि अगर कोई छुट्टी का दिन आ जाए ऑफ डे हो तो वो कहते हैं यार आज करूं क्या जैसे तीन साल बंद था ये कोविड में और तीन महीने मतलब अजीब हालत हो गई थी क्या करें क्या काम की इतनी आदत हो गई तो मतलब कुछ अल्फाज कभी कभी जो है ना साथ छोड़ देते हैं आप इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा आपको मतलब अच्छा लगता है एक्टिंग करने में